ढाबे पे चिकन खाना बहुत ही पसंद होता है। शायद घर से हम दो चार पीस और खाते हैं बिकॉज उसका टेस्ट ही वैसा होता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ ढाबा स्टाइल चिकन करी। और मेरे फूडी लोग कैसे हो आप लोग, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ढाबा स्टाइल चिकन करी। बहुत ही आसान है बनाने में, टेस्ट में बहुत ही उम्दा है। आप इसको घर में बना सकते हो ईजिली विथ जो भी हमारे घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ। तो दोस्तों इस रेसिपी को आखिर तक देखिएगा ताकि आपका फाइनल डिश अच्छे से निकल के आए। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अपना ढाबा स्टाइल चिकन करी। तो दोस्तों सबसे पहले ना हमें चिकन को अच्छी तरह से धो के लेना है। उसको मैंने 500 ग्राम्स ऑफ चिकन यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो दोस्तों। देन इसमें हम मैरिनेशन के लिए टर्मरिक डालेंगे एक छोटा चम्मच, फिर हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, आपके हिसाब से आप एडजस्ट करो उसको। फिर हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप कर्ड, दही डालने से बहुत अच्छा मैरिनेशन होता है। फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, एंड देन उसमें डालेंगे एक टीस्पून ऑफ गरम मसाला, एंड लास्टली हम डालेंगे उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छी तरह से हाथ से हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है, हमें पूरा चिकन को कोट होने तक उसको मैरिनेट करना है। इसको हम करीब करीब 20 से 25 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। कढ़ाई में तेल लेंगे 3 बड़े चम्मच, मैरिनेट किया हुआ चिकन उसमें हमें ऐड करना है, इसलिए थोड़ा उसको ज़्यादा हीट करो, एंड देन उसको हम चिकन से भर देंगे। पूरा चिकन उसमें ड्रॉप करिए एंड हाई फ्लेम पे उसको अच्छी तरह से पकाना है दोस्तों। हाई फ्लेम पे उसको बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक वो काला ना हो जाए तब तक हम उसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, पहले बहुत लाल था अभी थोड़ा सा डार्क रेड हो गया है, अब देख सकते हो पूरा भी ब्लैक होने तक है। इसका मतलब हमारा चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अभी हम बनाते हैं उसका करी। करी के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे एक पैन में, उसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, स्टारफुल, इलायची एंड थोड़ी काली मिर्च। फिर मैंने उसमें 2 मीडियम कटे हुए प्याज डाले हैं। प्याज को अच्छी तरह से भूनिए, ट्रांसलूसेंट होने के बाद उसको हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि अच्छे से कुक और हो जाए। फिर हम डालेंगे 1 कप ऑफ टमाटो प्यूरी, मैंने 2 मीडियम साइज टमाटो की प्यूरी डाली है इसमें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, फिर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर आपके हिसाब से अगेन, एंड देन हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच क्यूमिन पाउडर। अच्छी तरह से इसको स्टर कीजिए, ढाबे जैसा स्मेल आता है, उसको फ्लेवर आता है इस मसालों की वजह से, एंड देन मैं हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जो मसाले है एंड ग्रेवी है अच्छे से मिल के आए। उसको अच्छे से मिल के आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक फाइनल डिश के टेस्ट के लिए। अब हम डालेंगे हमारा चिकन, पूरा चिकन इसमें ड्रॉप करेंगे, एकदम ध्यान से ड्रॉप करिए, एंड नाउ थोड़ा सा टॉस देंगे बिकॉज चिकन थोड़ा पका हुआ है, उसको ज़्यादा नहीं करना नहीं तो वो टूट जाएगा। उसमें मैंने डाला है 2 कप ऑफ पानी, आपको अगर ज़्यादा डालना है आप ज़्यादा डाल सकते हो। पानी डालने के बाद उसको आप करीब करीब 20 से 25 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह से कुक होने के लिए रखना है, एकदम मीडियम टू हाई फ्लेम पे। स्टर करने के बाद हम इसको ढक लेंगे फॉर कुकिंग। देख सकते हो कुक हो चुका है, अपना ग्रेवी कंसिस्टेंसी आ गई है। इसको हम करेंगे गार्निश कोरिएंडर से एंड थोड़ा सा स्लिट ग्रीन चिली, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एंड देन टॉस। टॉस करने के बाद आप देख सकते हो अपना ग्रेवी बन के तैयार है, इसको आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आया था ना मुंह में पानी, बहुत मसालेदार दिख रहा था ना डिश। तो इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ट्राई करके मुझे कमेंट करो ताकि मुझे पता चले आपको कैसे लगा था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही शानदार और दमदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम मी।